नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर धरना देकर बैठे हुए हैं। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच चार दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक मसले का कोई हल नहीं निकल पाया है। शनिवार यानी आज एक बार फिर किसानों और सरकार के बीच बैठक होगी। किसानों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो फिर 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया जाएगा। इस बीच वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर किसानों को अपनी लड़ाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है तो मैं उन्हें बिना फीस के लिए अपनी सेवा दूंगा। दवे की पेशकश का आंदोलन से जुड़े नेताओं ने स्वागत किया है। दरअसल शुक्रवार को आंदोलन कर रहे किसानों की संघर्ष समिति के सदस्य और किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा और वरिष्ठ वकील हरविंदर सिंह फुलका ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे से मुलाकात की थी। मीटिंग के बाद दवे ने कहा कि किसानों की किसी भी केस को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है तो मैं उनके लिए अपीयर होने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ ही दवे ने कहा कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने कृषि कानून को असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया। दुष्यंत दवे की पेशकश के बाद एडवोकेट HS फुलका ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम इसलिए दुष्यंत दवे के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने किसानों की कानूनी रूप से मदद करने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि जब देश के सीनियर वकील कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।